यमुनानगर, बड़ी खबर। आगाज संस्था द्वारा नगर निगम पर 2 दिवसीय भूख हड़ताल की घोषणा। यह भूख हड़ताल सामाजिक कार्यकर्ता, सीनियर अधिवक्ता व आगाज संस्था के संस्थापक बलबीर सिंह द्वारा 27 व 28 फरवरी को की जाएगी। बता दें, इस भूख हड़ताल का कारण निगम द्वारा लगाए गए अनुचित डेवलपमेंट चार्जेस व अन्य शुल्क हैं। बता दें, 27 फरवरी दिन क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की शहादत का भी दिन है। इस दौरान निम्नलिखित मांगों बारे ज्ञापन भी सौंपा जाएगा व भूख हड़ताल भी की जाएगी। वह सरकार से मांग की जाएगी, प्राइवेट कंपनी द्वारा आम जन के मकानों का सर्वे संतोषजनक नहीं है व सर्वे में अधिकतर त्रुटियां हैं। हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि यह कार्य सरकार अपने स्तर से करवाकर आम जन को राहत दिलाए। नगर निगम के कर्मचारियों का इस कार्य में बर्बाद हो रहा समय व मेहनत का सदुपयोग किया जाए। वहीं किसी बेरोजगार व्यक्ति द्वारा अगर अपने घर मकान में छोटी सी दुकान खोली जाती है तो उसके पूरे मकान पर कमर्शियल टैक्स लगा दिया जाता है, इसे रोका जाए। पहले हाउस टैक्स जमा करवा कर असेसमेंट मिल जाती थी, पहले की तरह ही असेसमेंट का आधार हाउस टैक्स होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने अगर लंबे समय पहले अपनी सभी शुल्क जमा करवा दिए परंतु उसकी रसीद गुम हो गई है तो उसे रसीद दी जाए। जहाँ पर पहले कोई गलियाँ सड़कें नहीं हैं उसे प्राथमिकता दी जाए व बनी हुई सड़कों को तोड़ा ना जाए। कूड़े का नियमित रूप से उठान होना चाहिए। परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को ठीक कर लोगों की पेंशन व पीले कार्ड बहाल हो। सभी शहरवासियों से अपील, 27 व 28 फरवरी के दिन इस भूख हड़ताल में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। यह भूख हड़ताल जनमानस की चेतना को जागृत करने हेतु यानी अवेयरनेस हेतु है। इस अवसर पर क्या कहा सामाजिक कार्यकर्ता व सीनियर अधिवक्ता व आगाज संस्था के संस्थापक बलबीर सिंह जी ने, यह भी सुने। निगम के अंदर काफी अरसे से हम सुन रहे हैं कि लोग अपनी दिक्कतों को लेकर, मुश्किलों को लेकर कमेटी के चक्कर काटते हैं, निगम के चक्कर काटते हैं। पहले शुरू शुरू में सिर्फ हाउस टैक्स निगम के अंदर लगता था, कमेटी के अंदर लगता था, और वो भी कुछ सरकारों ने आके ये कर दिया था कि जिनका मकान 100 गज से कम में बना हुआ है उसका हाउस टैक्स भी उन्होंने माफ कर दिया था। और हाउस टैक्स का अर्थ ही ये था कि कमेटी साफ सफाई का, गली का, नाली का ध्यान रखती थी तो उसके बदले में वो हाउस टैक्स लेते थे। अब नई बात शुरू हो गई निगम के अंदर। अब सबके ऊपर जितने भी वहां मकान है हर एरिया के अंदर कम से कम 120 रुपए गज के हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेज उनसे ले रहे हैं। ये कम से कम शर्त है 120 रुपए गज वाली। और जब हम नक्शा पास करवाते हैं उसको जो ड्यू उन होते हैं वो सारे दे के तब नक्शा पास होता है। और वो अब जब किसी मामले में नो ड्यू सर्टिफिकेट लेने के लिए वहां उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी वो जो आपने पैसे भरे हुए हैं उसकी रसीद लेके आओ। उन जिन्होंने 15-20 साल पहले नक्शा पास करवाया है उसके पास रसीद थोड़ा होगी। वो कहते हैं हमारे पास रसीद तो नहीं है। वो कहते हैं रसीद नहीं है तो ये पैसे आपको भरने पड़ेंगे। और पहला सवाल तो है जब आपने नक्शा पास कर दिया है वो नक्शा अपना लेके जाता है कि देखो मेरा नक्शा पास है, मैंने सारे पैसे भरे हुए हैं, लेकिन उससे भी द्वारा ये पैसे द्वारा चार्ज कर रहे हैं, उसको नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं देते। और एक दूसरी बात जो ज्यादा पिंच करती है लोगों को, इन्होंने गुजरात की किसी कंपनी से सर्वे करवाए थे पीछे, और सर्वे करवाने के ऊपर हमें पता लगा कि 67 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च किया निगम का सर्वे करवाने के लिए। 22 वार्ड है सारे निगम के, इसका अर्थ है कि 3 करोड़ से ज्यादा एक वार्ड के ऊपर खर्चा हो गया। हाउ इज पॉसिबल? आप 4-5 एम्प्लाई भी लगा दो एक महीने के अंदर ना 15-15 हजार रुपया दो ना, चलो 1 लाख रुपया एक वार्ड का लगा लो, 22 लाख रुपए बनते हैं। सबकी शिकायत आ रही है वो सर्वे भी ठीक नहीं हुआ हुआ, जिनकी प्रॉपर्टी आईडी इन्होंने बना के वहां भेजी है, कईयों के नाम ही बदले हुए हैं, कईयों का एरिया बदला हुआ है। 200 गज का जिसका मकान है उसका 300 गज का लिख रखा है, जिसका 300 गज का उसका 150 गज का लिख रखा है, और उनकी ओनरशिप बदल रखी है, जिसका नतीजा ये निकला है कि सारे दिन लोग परेशान हो रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं और किसी को कोई भी समाधान वहां से नहीं मिल रहा। तो ये 5-6 बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर ज्ञापन दिया था, इन्हीं मांगों के ऊपर जो मांगे हम, जिनके ऊपर अब इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।
उन्होंने कहा था कि हम आपको बुला के बैठ के बातचीत करेंगे, इन्होंने कोई बातचीत नहीं की। फिर हमें मजबूर होकर हमने नोटिस दिया उनको कि 27-28 की 2 दिन की हम भूख हड़ताल रखेंगे और वही मांगे जिनके ऊपर हमने पहले आपको ज्ञापन दे रखा है। आपको शायद पता हो जो पुराने सोशलिस्ट लीडर थे ना, राम मनोहर लोहिया, वो आमतौर पर कहते थे जब सड़कें सुन्नी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। नागरिकों का ज्ञानवान होना बहुत जरूरी है। अगर सजग नागरिक अवेयर नागरिक है तो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। जो नागरिक अवेयर ही नहीं है वो अधिकारों के लिए कहाँ लड़ता है। हमारा मकसद सिर्फ ये है, भूख हड़ताल करने का जो मकसद है, एक तो 27 तारीख शायद आपको भी पता हो कि शहीद चंद्रशेखर का उस दिन शहादत दिन है, 27 फरवरी को उसकी शहादत हुई थी, इसीलिए उसकी शहादत को ध्यान में रखते हुए हमने ये दिन चुना है 27 फरवरी का। 2 दिन की हड़ताल कोई बड़ी कुर्बानी वाली बात नहीं है। इसमें कुर्बानी तो भगत सिंह और उनके साथियों ने 63 दिन तक जेल के अंदर लगातार भूख हड़ताल की थी, और उनमें जितेंद्र नाथ दास शायद आपको पता हो 63 दिन के बाद भूख हड़ताल की वजह से जेल के अंदर ही शहीद हो गए थे, और उनकी डेड बॉडी शव को लेने के लिए सुभाष चंद्र बोस पहुंचे थे कलकत्ता से, और कलकत्ता जब पहुंचा उनका शव तो 5 लाख लोगों की हाजिरी थी उस दिन जितेंद्रनाथ दास के वक्त। तो हमारा तो मकसद सिर्फ ये है कि जनता तक एक पैगाम पहुंचाना है कि अपने अधिकारों की खुद रक्षा करना सीखो। ये अगर आप ब्यूरोक्रेसी के ऊपर निर्भर करोगे, अधिकारियों के ऊपर निर्भर करोगे, तो आज दोनों हाथों से लूट रहे हैं। सरकार अधिकारी दोनों मिलकर इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, मुझे ये पता लगा है कि पीछे कुत्तों की नसबंदी के ऊपर 14 करोड़ रुपए खर्च किए हुए हैं। इज इट पॉसिबल 14 करोड़ रुपए? तो उसका कारण क्या है? उसका कारण तो सिर्फ यही है ना कि हम चौकस नहीं है, अपने अधिकारों के ऊपर पैरा नहीं देते। हमारे हड़ताल का, 2 दिन की भूख हड़ताल का मकसद सिर्फ इतना हुआ है कि जनता को ये एहसास करवाना कि आप अगर सड़कों के ऊपर रहोगे, अपने अधिकारों के लिए सजग रहोगे, तो फिर तो आपकी बात कोई सुनी जाएगी, वरना आपकी बात नहीं कोई सुनी। बस हम लोगों से ये अपील करते हैं कि अपने अधिकारों के प्रति अवेयर रहो, और ऐसा आंदोलन कोई कहीं भी चलता है जनता के मुद्दों के ऊपर उनका साथ दो। हम भी अपील करते हैं उनसे 27-28 तारीख को हमारा साथ दो।